नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर यातायात पुलिस ने शिकंजा कसा। एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने 1 जनवरी से 30 नवंबर तक की गई कार्रवाई का आंकड़ा जारी किया। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 3.5 लाख वाहनों का चालान किया गया है, जिस पर 4.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब तक 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। एसपी ट्रैफिक ने गोरखपुर जनपद वासियों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि लगातार अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों को सीख दी जा रही है। वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए गए हैं, उन्हें उनके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी किए गए हैं। इस दौरान 1 जनवरी से लेकर 30 नवंबर तक के आंकड़े मेरे पास अभी मौजूद हैं, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए कुल लगभग 3.5 लाख वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, जिसमें उनके ऊपर लगभग 45 करोड़ रुपए के जुर्माना हुआ है, जिसमें 3.5 करोड़ रुपए लगभग सम्मान शुल्क लोगों ने जमा भी किया है। और ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, जिससे कि लोग यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित घर पहुंचें। और मैं आम जनता से, वाहन चालकों से अपील भी करना चाहूंगा कि यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट जरूर लगाएं, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं, ट्रैफिक सिग्नल के दिशा निर्देश पर ही चलें, गाड़ियों को रोड पर पार्किंग न करके नगर निगम द्वारा निर्धारित पार्किंग पर ही खड़ा करें, ओवर स्पीड न चलाएं, ड्रिंक करके गाड़ी न चलाएं। इससे आपका भी जीवन सुरक्षित रहेगा और आप जो है सुरक्षित घर भी पहुंचेंगे। गोरखपुर में यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने गंभीरता दिखाई है। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर जाकर एसपी ट्रैफिक ने निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग मेरे और उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है। ट्रैफिक कर्मियों की मुस्तैदी से ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान उन्होंने आम जनमानस से सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, देखिए गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु यातायात पुलिस प्रतिबद्ध। उसी क्रम में हमारे सीनियर अधिकारियों द्वारा भी भ्रमण करके देखा जा रहा है कि यातायात का दबाव कहाँ है। उसी निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा स्वयं जो है कि विभिन्न चौराहों तिराहों का भ्रमण करके वहाँ पर ट्रैफिक का संचालन देखा गया है। जैसे अभी काली मंदिर, गणेश चौराहा, मोहद्दीपुर, टीपी नगर, नौसर, आजाद चौक, विभिन्न चौराहों पर मैं स्वयं मौजूद रहकर जो है कि यातायात का संचालन जो है अपनी देखरेख में कराया हूँ। यातायात सुगम रूप से संचालित हो रहा है, कहीं पर भी जो है कि जाम की स्थिति नहीं है। और हमारे जो ट्रैफिक कर्मचारी वहाँ हैं, उनको दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं और उनके द्वारा भी लगातार जो है कि इस तरह से मेहनत करके यातायात सुगम संचालन कराया जा रहा है, जिससे कि आम जनता कोई समस्या आवागमन में उत्पन्न ना। जनपद में योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 16 व 17 दिसंबर को 2 दिवसीय अखिल भारतीय मछुआ राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि इस अधिवेशन में देश के 26 राज्यों के निषाद समाज के मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी शामिल होंगे, जो कि निषाद समाज की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद सहित अन्य लोग शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इसमें 6 सत्र होंगे, जिसमें अलग अलग मुख्य अतिथि होंगे, जिसमें निषाद समाज के शिक्षा के प्रति जागरूकता, राजनीतिक उत्थान, रोजगार के प्रति जागरूकता एवं आर्थिक विकास, सामाजिक संवैधानिक अधिकारों व आरक्षण पर चर्चा होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा, बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह तारामंडल गोरखपुर में अखिल भारतीय मछुआ राष्ट्रीय अधिवेशन का एक कार्यक्रम रखा गया है, जो 16 दिसंबर और 17 दिसंबर 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने मुख्य रूप से इस पूरे देश 25-26 राज्यों से आने वाले हमारे जनप्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जितने सत्र होंगे उस सत्रों के अलग अलग मुख्य अतिथि होंगे, जिसमें हम अपने इस मछुआरा समाज में जितने जनप्रतिनिधि हैं, मैं सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया हूं। आने वाले में हमारी केंद्रीय मंत्री
माननीय साध्वी निरंजना ज्योति जी, माननीय सांसद मुजफ्फरपुर बिहार से माननीय अजय निषाद जी, सांसद लोकसभा आसाम से माननीय कृपानाथ मल्लाह जी, आंवला के सांसद माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय माननीय बाबूराम निषाद जी, पूर्व सांसद कई बार के रहे हैं चरखारी हमीरपुर के रहने वाले श्री गंगाचरण राजपूत जी, सांसद हमारे आदरणीय माननीय मुकेश राजपूत जी, सांसद भदोही माननीय रमेश चंद बिंद जी, माननीय विधायक कई बार के और मंत्री भी रहे हैं ये छोटेलाल वर्मा जी, मध्य प्रदेश के मंत्री राज्य मंत्री श्री कैलाश माझी जी, और जिला पंचायत के अध्यक्ष कासगंज से श्री रत्नेश कश्यप जी, माननीय राज्य मंत्री मोती कश्यप जी, माननीय गीता माझी जी, पूर्व विधायक दिल्ली से रंजीत कश्यप जी, आदरणीय शिवपुरी से जय किशन माझी जी, और राजू बाथम जी, महेश कश्यप जी, ये सभी जनप्रतिनिधि हैं, श्री लक्ष्मी नारायण सिंह लोधी जी, श्री विजय शंकर निषाद जी राज्यसभा सांसद, श्री संदीप कुमार सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री, श्री प्रेम कुमार विधायक पूर्व मंत्री बिहार, श्री हाकिम लाल बिंद जी हंडिया के विधायक, श्री कैलाश सिंह राजपूत जी पूर्व विधायक, आदरणीय सुरेश कश्यप जी MLC, आदरणीय रघुनाथ कश्यप पूर्व अध्यक्ष, आदरणीय नेहरू निषाद प्रभारी, आदरणीय सीताराम कश्यप जी, आदरणीय इस तरह से श्री पूरन श्याम सुंदर, आदरणीय स्वामी गोरखनाथ जी केरल से, इस तरह से श्री राजा राम कश्यप राष्ट्रीय संयोजक ये राजस्थान से, यानी अखिल भारतीय आदिवासी कच्छप कहार भोई समन्वय समिति के जो संयोजक हैं ये भी इसमें रहेंगे, यानी 151 संस्थाएं जो देश के अंदर मछुआरों की रन कर रही हैं, सभी के अध्यक्षगण यहाँ पर उपस्थित होंगे, उपस्थित होकर के एक मछुआरा अधिवेशन को, इसमें हम लोगों ने इस अधिवेशन में 4 विषय पर चर्चा होनी है। पहला विषय है शिक्षा के प्रति जागरूकता पर चर्चा, दूसरा विषय होगा राजनीतिक उत्थान पर चर्चा, तीसरा विषय है रोजगार के प्रति जागरूक एवं आर्थिक विकास पर चर्चा, और चौथा सामाजिक संवैधानिक अधिकार पर चर्चा। ये 4 बिंदुओं पर हम लोगों का, ये सभी हम लोग आपस में ये चर्चा होगा। इसके साथ साथ कई यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं श्रीमती कपिला मल्लाह जी, इस तरह से फिर छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी आएंगे, हमारे बीच में बाबा मारतंड जी बैठे हुए हैं, इसी प्रकार बिहार के भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और उन्होंने OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष OBC निगम के जो बनाया गया था OBC आयोग, उसके पूर्व चेयरमैन बिहार के प्रोफेसर रहे यूनिवर्सिटी के, वो भी आएंगे इसमें। इस तरह से करके पूरे देश के लगभग 26 राज्य के अपने सभी जनप्रतिनिधिगण, कुछ प्रशासनिक अधिकारीगण, यानी सब इसमें भाग ले रहे हैं। ये मछुआरा उत्थान, मछुआरा समाज के उत्थान पर चर्चा होगी, और बड़े भारी पैमाने पर विस्तार से इसमें 2 दिन का अधिवेशन चलेगा। हमने सारे प्रतिनिधियों के नाम गिनाए हैं, इसमें लगभग 7 से 8 लगभग लोकसभा के सांसद हैं, 2-3 राज्यसभा के सांसद हैं, और केंद्रीय मंत्री भी हैं। हम अपने
आह्वान और आमंत्रित तो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को भी मैंने किया है, हम सभी को आमंत्रित किए हैं। और हमारे ये लोग जितने सत्र चलेंगे सबके अलग अलग अतिथि होंगे, वो जो समय देंगे उस हिसाब से उस सत्र में उनको मैं अतिथि मुख्य अतिथि बनाऊंगा। मछुआ समुदाय के, मछुआरा समाज के लोग ये संघर्षशील रहे हैं, तूफानों से खेलते हैं, तूफानों से लड़ करके देश के विकास में कार्य करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति में ले जाने के लिए हर समय हर वक्त ये तैयार रहते हैं। इसलिए इनका उत्थान कैसे हो ये आपस में चर्चा करके देश के साथ साथ ये अपना भी उत्थान कैसे करें उस पर चर्चा हो। जनपद में कलेक्ट्री परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर का चुनाव बुधवार को सकुशल संपन्न हुआ। इस चुनाव में कृष्णा दामोदर पाठक अध्यक्ष, लालमन मंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय चंद, कनिष्ठ उपाध्यक्ष करुणाकर राम त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष ब्रजेश कुमार पांडे निर्वाचित घोषित हुए। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कृष्ण दामोदर पाठक ने कहा कि अधिवक्ताओं के हक के लिए लड़ाई लड़ते हुए उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, न्यायिक प्रक्रिया को ईमानदारी पूर्वक से संचालित करने में सहयोग किया जाएगा जिससे आने वाले फरियादियों को न्याय संगत न्याय मिल सके। इसके साथ ही महिला अधिवक्ता के लिए शौचालय बनवाने की व्यवस्था की जाएगी, उनके बैठने के लिए अलग से कमरा बनवाया जाएगा और जो अधिवक्ताओं की समस्या है उसको समय समय पर उठाकर शासन के माध्यम से निरीक्षण करवाने का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कृष्ण दामोदर पाठक व मंत्री लालमन ने कहा, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के चुनाव में मैं अध्यक्ष हुआ हूं, हमारे भाई लालमन जी मंत्री हुए हैं और हमारी जो पूरी कार्य समिति है सबकी बैठक करके एक दूसरे के विचारों से सहमत होते हुए अधिवक्ता हितों की सार्थक पहल को हम लोग सार्थक करने का 100% प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे वहां जो लेडीज अधिवक्ता हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, न तो कोई लेडीज कॉमन रूम है, न ही कोई शौचालय है, न ही कोई मूत्रालय है। तो मैं सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि जो जिला अधिवक्ता एसोसिएशन की महिला अधिवक्ता मेंबर हैं उनके लिए कार्य संपादित करना। दूसरा कार्य होगा कि जो कलेक्ट्रेट कचहरी में व्याप्त है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, समाप्त तो मित्र नहीं करा सकता लेकिन उस पर अंकुश लगाने का 100% प्रयास करूंगा। लालमन जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर के महामंत्री पद के लिए चयनित हुआ है। इसके लिए हमारे जो है सम्मानित हृदय सम्राट न्यायप्रिय अधिवक्ता बंधुओं ने जो हमारे सामाजिक जैसे व्यक्ति को इस पद पर पहुंचाया है मैंने उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और माननीय अध्यक्ष जी ने जो सारे समस्याओं का किया है उससे अवगत होते हुए आपको बता रहा हूँ उसको कार्य को पूरा करने के लिए हम लोग तत्परता के साथ रहेंगे और कभी भी जो है अधिवक्ता हित के बात जहाँ आएगी वहाँ हम लोग हमेशा जो है संघर्ष की बात करते रहेंगे और बातकारियों के हित की बात। अध्यक्ष जी ने जो कहा है शौचालय की बात, साफ सफाई की बात, भ्रष्टाचार की बात, उसको मैं जो है पूरा करने का पूर्ण वादा करता हूँ। गोरखपुर महोत्सव 2024 व खिचड़ी मेले की तैयारी बैठक एडीजी जोन अखिल कुमार की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव 11, 12, 13 जनवरी 2024 और खिचड़ी मेला 14, 15 जनवरी 2024 को महोत्सव और मेला में दिए गए जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए संपन्न कराने में अपना अहम योगदान दें। उन्होंने कहा कि महोत्सव में काफी भीड़ होगी जिसको देखते हुए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही महोत्सव में किस किस विभाग का स्टॉल लगेगा उनके रहने की व्यवस्था किया जाए और सबसे ज्यादा लोक कलाकारों को महोत्सव में मौका दिया जाए। इस अवसर पर आईडीजी रेंज गोरखपुर परिक्षेत्र जनरल रविंद्र गुड्स, मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, जिला
अधिकारी कृष्णा करुणेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, गीडा सीईओ अनुज मलिक, जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के वनस्पति विज्ञान विभाग व चंद फाउंडेशन गोरखपुर द्वारा न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन एवं मानसिक स्वास्थ्य विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर अभय कुमार सह उक्त आचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भोजन करने का तरीका एवं भोजन करने का स्थान, तीनों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जैसा खाएं अन्य वैसा हो मन, जो कि हमारे धर्मों में कहा गया है, वैज्ञानिक रूप से सत्य है। उन्होंने अपने द्वारा किए गए शोध में, जिसमें कि सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च लखनऊ के वैज्ञानिक शामिल थे, उसका उल्लेख करते हुए कहा कि आजकल युवा वर्ग में मानसिक बीमारी बढ़ रही है, जिसका कारण खराब जीवन शैली एवं भोजन का सही प्रकार से ना करना है। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, जिसका सीधा संबंध हमारे भोजन एवं स्वास्थ्य से है। भोजन, न्यूट्रिशन एवं शरीर की आवश्यकता के अनुसार खाना चाहिए। हमारे शरीर के जीवाणु, भोजन एवं पर्यावरण हमें सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। आजकल फास्ट फूड खाने में पेट की बीमारी, साथ मानसिक अवसाद बच्चों में पाया जा रहा है। दूसरी बीमारी जो तेजी से फैल रही वो है अल्जाइमर, किसका कोई इलाज नहीं है। इस अवसर पर विशिष्ट वक्ता डॉक्टर स्मिता सिंह, सहायक संचालन धर्मचंद, प्रोफेसर परीक्षित सिहानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भोजन के प्रकार, हॉस्पिटल में जो बेचारे मरीज के साथ परिजन आए थे, उनको एजुकेशन हेल्थ को अपलिफ्ट करना प्लान में, तो हम लोग सारे लोग मिलकर के इसको अकम्प्लिश करते हैं। मैं एक वनस्पति विज्ञान आया हूँ, इसके पीछे ये रीजन है कि आज के परिवेश है, उनको ये नहीं पता है कि अगर हम लेकिन पिज्जा खाते हैं, पिज्जा का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवदीप निर्मा ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें जो अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण करवा लिया जाए, जिससे कि किसी तरह की दिक्कत होने पाए तो उन्होंने कहा कि जो समस्या है उसको दूर कर लिया जाए और जो मतदाता पहचान पत्र बनने हैं उनको चिन्हित कर बीएलओ के माध्यम से बनवाया जाए। इसके साथ ही सभी अधिकारी अपने अपने जिलों की रिपोर्ट शासन को प्रेषित करें। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह, एसडीएम सहजनवा सचिन गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज तथा राजकीय बौद्ध संग्रहालय के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला कॉलेज में बौद्ध शिक्षा दर्शन, आधुनिक विश्व की जटिल चुनौतियां एवं संतुलित दृष्टिकोण पर 16 एवं 17 दिसंबर को बीएड विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस संगोष्ठी के उद्देश्यों का प्रकाश डालते हुए संगोष्ठी के संयोजक राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर के उपनिदेशक डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर तथा बीएड विभागाध्यक्ष डॉक्टर अर्पणा मिश्रा ने बताया कि आधुनिक विश्व के गतिशील परिदृश्य के बीच बौद्ध शिक्षा दर्शन के सिद्धांत संतुलित दृष्टिकोण की वकालत करते हुए जटिल चुनौतियों का समाधान करते हुए एक आवश्यक रूपरेखा प्रदान करते हुए संगोष्ठी का उद्देश्य है छात्रों को गंभीर चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना, सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा, सहानुभूति, समझ एवं परोपकारिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, आत्म जागरूकता एवं आध्यात्मिक विकास द्वारा आंतरिक शक्ति की खोज हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना, विश्व स्तरीय संबंध एवं परस्पर निर्भरता की समझ को बढ़ावा देना। संगोष्ठी में देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के प्राध्यापक, शोधार्थी, छात्र तथा बौद्ध शिक्षा दर्शन के विद्वत जन उक्त विषय पर 4 तकनीकी सूत्रों में प्रस्तुत करेंगे। इस संगोष्ठी में शिक्षा शास्त्री, दर्शन शास्त्रियों, विषय विशेषज्ञ, विद्वत जन सभी का मार्गदर्शन करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए यशवंत सिंह राठौर ने कहा, ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है चंद्रकांति रमावती आर्य महिला महाविद्यालय में, और ये गोरखपुर बौद्ध संग्रहालय का एक ज्वाइंट प्रयास है। इसमें हम लोगों ने इस बार संगोष्ठी का विषय जो रखा है, बौद्ध शिक्षा दर्शन, आधुनिक विश्व की जटिलताएं और संतुलित दृष्टिकोण, इससे विभिन्न शोधार्थी, शिक्षा विभाग के और साथ साथ प्राचीन भारतीय इतिहास के और अन्य जो संबंधित विषय हैं उनसे विषय के व्यक्ति जुड़ेंगे और इससे अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसमें अन्य राज्यों के भी शोधार्थी हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली और अपने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के
शोधार्थी इसके साथ जुड़ेंगे। इसको हम लोगों ने कोशिश किया है कि ऑनलाइन माध्यम से भी शोधार्थी जो जुड़ सकें, जो यहाँ आके प्रस्तुति नहीं दे सकते हैं शोध पत्र की, वो ऑनलाइन माध्यम से अपने शोध पत्र को प्रस्तुत करें। इसमें अभी जो अनुमान है लगभग 200 शोधार्थी इसमें जुड़ेंगे हमारे बीच में, और ये 2 दिवसीय है, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर। इसका उद्देश्य यही है कि जो बौद्ध शिक्षा दर्शन का आधुनिक भारत में क्या उपयोग है और क्या उनसे हमको रिसर्चेस आ रही हैं, नई चीज़ें क्या मत डेवलप हो रहा है, वो सब चीज़ें सबके सामने आ। मेरा नाम यशवंत सिंह राठौर, छत्तीसगढ़। गोरखपुर में तेज तर्रार अधिकारी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव नवागत पुलिस अधीक्षक उत्तरी अपने कार्यालय पहुँच कर कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कारोबार में लंबित फाइलों का निस्तारण कर आए हुए फरियादियों की समस्याओं से रूबरू होकर संबंधित थाना प्रभारियों को टेलीफोन से वार्ता कर समस्याओं को निस्तारण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी फरियादी को बार बार थाने पर दौड़ाया ना जाए, उनके समस्याओं का व गुण दोष के आधार पर थाने पर ही निस्तारण किया जाए। छोटी सी छोटी घटनाओं की सूचना पर तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर अपने सीनियर अधिकारी को थाना प्रभारी अवगत कराएं। आपको बता दें कि नवागत एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव अभी तक मेरठ जनपद में पुलिस अधीक्षक यातायात का दायित्व संभाल रहे, अब गोरखपुर में नई जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक उत्तरी का पदभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उत्तरी सर्कल के अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आकर अपराध पर नियंत्रण किया जाएगा। मूल रूप से फिरोजाबाद के रहने वाले एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने विभिन्न जनपदों कानपुर, लखनऊ, इटावा, कासगंज, सीतापुर व बदायूं जनपद में विभिन्न पदों व जिम्मेदारियां सकुशल निर्वहन कर चुके हैं। मेरठ जैसे शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने में अपना अहम योगदान देकर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप संचालित करवाने में अपनी अहम योगदान दिया है, जिसे मेरठवासी सदैव याद करेंगे। अब जिन्हें शासन द्वारा पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पद पर भेजा गया है, उत्तरी सर्कल में कानून का राज कायम करने में अपना अहम योगदान देंगे, जिससे अपराध मुक्त सर्कल रहे। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए नवागत एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव है और मैं 1990 बैच का पीपीएस अफसर हूं और अभी मेरठ में एजेस्ट ट्रैफिक में कार्यरत था, मेरठ से स्थानांतरित होकर यहां आया। सर, यहां कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से आपकी मतलब कवायद की जाएगी? देखिए, जो मुझे नॉर्थ का क्षेत्र मिला है, मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रहे, जनता की छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान हो, त्वरित समाधान हो। और मैं संवाद पर विश्वास करता हूँ, अगर छोटे से छोटे व्यक्ति से संवाद कायम कर लिया जाए तो उसकी समस्याओं का समाधान हो ही जाता है। सर, जो चिन्हित बड़े माफिया है, सर उनके खिलाफ किस तरह की स्थिति है? वो जो भी विधिक प्रावधान है, कठोर से कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध की।